बालाघाट जिले के लाल बर्रा थाना पुलिस ने आईपीएल सट्टा के दो फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी सिवनी के डुंडा सिवनी, बरघाट और लाल बर्रा के मानपुर के निवासी है। पुलिस ने आरोपियों से 3.25 लाख रुपए का मशरूका, जिसमें लैपटॉप, मोबाइल, नगद राशि बरामद की है। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डाबर, लाल बर्रा थाना प्रभारी अमित भावसार मौजूद रहे। क्या पूरा मामला था, किस प्रकार से पुलिस ने कार्रवाई की? लाल बर्रा थाने पुलिस द्वारा आईपीएल सट्टा में एक अच्छी कार्रवाई करते हुए लगभग 3.25 लाख रुपए का मशरूका, इंक्लूडिंग एक लैपटॉप, एक होल्ड पेटी जिसको स्विच टाइप की जो काम करती है वो पेटी, और 17 मोबाइल फ़ोन जब्त किए गए हैं दो आरोपियों से, जो कि गोंदिया से जाकर पूरी आईपीएल सट्टा को संचालित कर रहे थे। इस संबंध में लाल बर्रा में लगभग 15 दिनों पहले जो कार्रवाई की गई उसी के फॉलोअप में कार्रवाई है। हम लोग इन आरोपियों के से और भी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि और कौन खिलाते थे और कौन खेलने वाले हैं, और सभी पर लीगल प्रोविजंस के अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। कौन लोग जो सट्टा खेलते, ग्रामीण भारत टीवी के लिए बालाघाट से निकेश चंदेले की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।